सो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त शेफ रोहित सिंह बिस्ट और अभी मैं बनाने वाला हूँ मीन वेरिएबल। मीन वेरिएबल मीन्स पॉमफ्रेट फ्राई। सो दिस इज योर वाइट पॉमफ्रेट फिश और इसी से ही अभी हम फिश फ्राई बनाएंगे, पॉमफ्रेट फ्राई। अब इससे पहले हम लोग इसका हेड और टेल और विंग्स को अलग कर देंगे। सो दिस इज योर फिश। उसके लिए मैं इसका एक मसाला तैयार कर रहा हूँ। मैंने ले रखी है यहाँ पे 20 स्पाइस होल रेड चिली, बेसन, एक चम्मच बेसन डालूंगा, करी लीव्स, 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स, थोड़ा सा हींग डालेंगे एसोपोटिडा, नमक, गरम मसाला, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा चॉप्ड अनियन भी ऐड करूंगा और उसका एक फाइन पेस्ट तैयार करूंगा। उस पेस्ट को मैं अपनी फिश के साथ मैरिनेट करूंगा। यहाँ पर मेरा मैरिनेशन एकदम फिश के तैयार हो चुका है और इस मैरिनेशन को मैं इस फिश में डालूंगा। उससे पहले थोड़ा इसमें लेमन जूस को हम स्क्वीज कर लेते हैं। नाउ इस मैरिनेशन को मैं इस मसाले में मिक्स करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूंगा इसी मैरिनेशन के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पॉमफ्रेट फिश बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब मैं इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल करने के लिए डालने वाला हूँ। तो अभी मेरा ये फिश जो है एक साइड से पक गया है और इसको मैं अब फ्लिप करूंगा दूसरे साइड के लिए। और जो मेरे पास मैरिनेशन थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है जिससे इसका मैरिनेशन और स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, फिश मेरी एकदम अच्छे से ग्रिल हो गई है और अब इसकी मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ प्लेटिंग। थोड़ा डालेंगे इसमें हम कोरिएंडर लीव्स, लच्छा अनियन आ जाएंगे साइड पे एंड लेमन वेजेस, लच्छा अनियन आ जाएंगे साइड पे एंड लेमन वेजेस।